हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड की हुई हैं, उनको सबको पता है कि हम किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। तो मैं, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेस किए हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी नजर में सबसे खराब कर्मा क्या होता है, बताइए। कोई आंसर दे सकता है इस बात का? किसी का निंदा करना, और किसी का दिल दुखाना, और अपना थिंकिंग, मैम अबॉर्शन, दीपक जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी के पीठ में छुरा जो घोंपते हैं ना, जैसे कहते हैं, मतलब बिट्रेयल करना। हाँ, और बताइए और क्या क्या सोच सकते हैं आप? मैं आपको बता दे, सबसे बुरा कर्म होता है किसी के बारे में ये सोचना कि वो मर जाए। आई मीन जस्ट अ थॉट, जस्ट अ थॉट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अबॉर्शन, यस इट इज आल्सो वेरी बैड कर्म, क्योंकि ये सारी चीजें, अगर अबॉर्शन या मिसकैरेजेस होते हैं आपके घर में, तो वो कर्म पूरे घर के लिए पितृदोष बन जाता है। काल सर्प दोष है, पितृदोष है, ये सब आपका कर्म है, आपके एंसेस्टर का कर्म है जो आप भोग रहे। एनीवे, ये सारे कर्म के बारे में हम क्लास में बहुत डिटेल से समझेंगे, और इन सब कर्म से आप बाहर कैसे आएंगे वो सारी बातें हम वहां करेंगे। सो जो सबसे बुरा कर्म है, आप सोचिए, किसी को मार डालना तो बात अलग है, लेकिन मार डालने का एक सोच भी आपका सबसे बुरा कर्म है। आप समझ रहे हैं ये चीज? सो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगी कि जो एक्शन है, जिस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि सोच भी एक एक्शन है, क्योंकि एक्शन से पहले आपको थॉट आता है कि मुझे ये करना है, तो ये जो थॉट ही है ना, वही अपने आप में काफी है। एक्शन आपने किया या नहीं किया, कहते हैं ना इंटेंशंस वर्क्स, आपने जो सोचा वही काम करता है। आपने सोच के छोड़ दिया, लेकिन वो एनर्जी यूनिवर्स में गई, और वो यूनिवर्स में जाके किस तरह से रिएक्ट कर रही है आपको नहीं पता, वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रही है जैसे आपने सोचा, और ये एनर्जी वापस आपके पास आने वाली है। तो एक्चुअली जो हमारा कर्मा का फाइल है, जो हमारा कर्मा का डिटेल है, वो कभी इस जन्म में नहीं होता, एग्री? वो हमारा फाइल होता है हमारे पास्ट लाइफ से। हमारे जब हम पैदा होते हैं, तब हमारे साथ दो ही चीजें होती है, एक तो होता है वासनात और एक होता है संस्कार, ठीक है? सो ये दो चीजों पे जो हमने पास्ट में जो संस्कार लिए, या जो हमारी वासनाएं थी, उसकी वजह से जो प्रेजेंट की जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो बनती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हैं? सो जो चीजें आपके साथ प्रेजेंट में हो रही हैं, उसका सारा जो जो स्टोर रूम है वो आपका पास्ट लाइफ है। तो जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरे साथ कर रहे हैं, जो जर्नी हमने अभी 2-3 क्लास ही हमने शुरू किया है, एक्चुअली वो एक तरीका है आपके पिछले कर्मों को जानने का, उनको रिजॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पे आप वो सारी चीजों को अपने आप खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्मा का साइंस क्या है, कर्मा किस तरह से जनरेट होता है, कर्मा किस तरह से बनता है, ठीक है? कर्मा को किस तरह से हम डील कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें पता चल गया, हम आ गए स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है? सो नाउ वी डोंट नो, अब तो हमें कर्मा बहुत अच्छे और साफ साफ दिखाई देते हैं कि भाई अब क्या करें, हमें तो नहीं पता कि हाउ टू रिजॉल्व दिस कर्मा, क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आपके बहुत सारे कार्मिक आपके सामने आ जाते हैं। एक आपने शब्द सुना होगा प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा। सो इस कोर्स में आपको जो वैदिक तरीके से, जिस तरीके से कर्मा आपके बनते हैं, वहां से लेकर के एक मॉडर्न टेक्निक जो थीटा हीलिंग है, और जो एक्चुअली आपको सिखाएगी कि कैसे इन सब कर्मा को आप जान लीजिए, इस कोर्स में आपको पूरा कर्मा के बारे में पता चलेगा, और आप अपने कर्मास को देखेंगे और अपने कर्मास को महसूस करेंगे, और उस कर्मा की एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ है उस चीज को आप महसूस करेंगे, आपके रिलेशनशिप में कर्मा कहाँ काम कर रहा है उस चीज को आप समझेंगे। दूसरा,
आप इस कर्मा में मनी एनर्जी कहाँ पे काम कर रही है, मतलब आपके मनी के साथ कर्मा कहाँ बंधा हुआ है, और आपने ऐसा क्या कर दिया होगा कि आज आपको ये प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है कि पैसा आ नहीं रहा, पैसा रुक नहीं रहा, या पैसा कोई चोरी कर लेता है, या पैसे के साथ कुछ तो ऐसा होता है कि मैं कभी पैसा एंजॉय नहीं कर पाता, वो सारी चीज, या मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, या मेरा बिजनेस नहीं चलता, ये सारी चीजें किस तरह से आपने क्रिएट की हैं, और अगर आपने क्रिएट इसलिए की हैं कि आप इस जन्म में उनसे कुछ सीखें, तो वो कैसे होगा, कैसे आप उस कर्मा को खत्म करके अपनी लर्निंग लेके आगे बढ़ेंगे, वो इस कोर्स में आप समझेंगे। ठीक है, एक छोटी